बात रिलीजन की तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हो ही नहीं रही। कोई आपके रिलीजियस राइट्स को प्रोहिबिट नहीं करने वाला, सिर्फ ये 5 फैक्टर्स को यूनिफॉर्मली लॉ के तहत लाने वाले हैं। लेकिन न तो हम आपके पूजा पाठ में, चर्च के मास में कोई इंटरफेरेंस करने वाले हैं, न हम ये कहने वाले हैं कि भाई आप अपने धार्मिक प्रवचन मत दीजिए प्रोपोगेट करने के लिए लोगों को। ज़रूर दीजिए, आप अपने धर्म को खूब प्रिजर्व कीजिए, आप अपने बच्चों के नाम अपने धर्म के हिसाब से रखना चाहते हैं रखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ी प्रोहिबिट कर देगा कि नहीं भैया आज से आपको नाम भी विष्णु हुसैन रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वर्धा, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 24, दे आर टू सेपरेट aspects altogether guaranteed by the constitution differently, and that is why 25 is put under fundamental rights whereas 44 is put under directive principles of state policy. Kyunki 44 to ek dream hai hamare legislative fathers ka, lekin jo wo achieve kar sakte the 25 to wahan rakha unhone wahi achieve karke bata diya ki bhaiya hamare desh mein ganpati bhi rakh sakte hain aur tajiya bhi rakh sakte hain, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी पूजा पाठ कीजिए, प्राइवेट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत। सो देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। सेकेंड पार्ट यू सेड कि वो दलित का जो ये हाँ ग्रुपिज्म, तो वहाँ भी मैं आपको कह दूँ कि अगर आप कानून के चश्मे से देखेंगे तो ग्रुपिज्म पॉलिटिकल है, कानून में कहीं कोई ग्रुपिज्म नहीं, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस विच आई जस्ट पॉइंट आउट। जैसे मैंने कहा वीकर सेक्शन के लिए उनको बराबर की हिस्सेदारी लाने के लिए थोड़े से स्पेशल लॉज बनाए गए, और स्पेशल लॉज 3 सेक्टर्स के लिए बनाए गए। क्वेश्चन आई एम सॉरी इफ आई एम क्रॉसिंग द टाइम लिमिट, बट इट्स द क्वेश्चन विच आई हैव टू आंसर टू हर सेटिस्फैक्शन, अदरवाइज वो कहेंगे कि मुझे तो बताया ही नहीं क्या किया। इट्स जस्ट दैट वीकर सेक्शंस आर कंसिडर्ड 3, विमेन, लेबर एंड सर्टन रिजर्व्ड क्लासेस ऑफ इंडिया, जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। तो उनसे रिलेटेड हमने कुछ स्पेशल लॉज बनाए हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो SC ST प्रोटेक्शन एक्ट या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर वुमेन और फॉर सर्टन फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो लेबर क्लास के लिए बनाए गए हैं, उसके अलावा एप्लीकेबिलिटी और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ग्रुपिज्म में नहीं है। लॉ लॉ हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, चाहे आप लेबर लॉ लगाएं, चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस लगाएं, और चाहे वो SC ST एक्ट लगाएं। प्रोसीजर 2 ही हैं, आइदर CRPC और CPC। सो देर इज नो ग्रुपिज्म वर्धा। थैंकफुली आर लेजिस्लेटिव फादर्स हैड दैट सेम्ब्लेंस टू पुट इट यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉज। थैंक यू सो मच। आई वुड नॉट डेयर टू टेक एनी फर्दर क्वेश्चंस, वरना मुझे मैडम उज्ज्वला जो है वो फाइनली खींच के हटा देगी। थैंक यू सो मच।